मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वो जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश है। यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं, वो देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान के द्वारा प्रदत्त अपनी स्वल्प स्वतंत्र का दुरुपयोग नहीं किया है और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकृष्ट होता है। जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी।